हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करते हो अपने इस चैनल पे। सो आज हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होने वाला है। और करंट अफेयर में हम बात करेंगे कि वीडियो पढ़ें या फिर मैगजीन्स पढ़ें या न्यूज़पेपर पढ़ें, और यूपीएससी, आरओआरओ, पीसीएस, मैं तीनों की बात करने वाली हूँ। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलो हम बात करते हैं, आपकी समस्या पर पहले हम बात करते हैं कि करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट अफेयर मैनेज नहीं हो पाता। जैसे हम एक स्टेज पे होते जाते हैं, अभी जैसे मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर हमारा छोटा जा रहा है, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि कैसे कवर किया जाए। और हर कोई अलग अलग तरह के मैगजीन्स बताता है, कोई क्रॉनिकल बताता है, कोई दृष्टि बताता है, कोई विजन बताता है, कोई पीस मंत्रा बताता है, कोई न्यूज़पेपर बताता है, द हिंदू बताता है और दैनिक जागरण, बहुत सारे हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद जो है कोई वीडियो बताता है, मैं भी पहले वीडियो बताती थी, तो बहुत सारे हैं और हर कोई पढ़ता है, तो हर कोई अलग अलग पढ़ता है और एग्जाम भी निकलता है, नहीं भी निकलता है, तो सारी चीज़ें हैं हमारे सामने। तो पहले ये बात कर लेते हैं, जो पढ़ते हैं, जिनका एग्जाम निकल जाता है, वो क्या पढ़ते हैं? देखो, वो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ना अपना दृष्टि पढ़ लेते हैं तो भी उनका एग्जाम निकल जाता है, वो विजन पढ़ते हैं तो एग्जाम निकल जाता है। तो मैं आप लोगों को आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा बताऊंगी और उसको फॉलो करना, ऐसा ना हो कि फिर भटकते रहना, फिर पूछो ये वो, ऐसा कुछ मत करना। देखो, सिलेक्शन सबका होता है, सिलेक्शन मैगजीन पढ़ने वालों का भी होता है, न्यूज़पेपर पढ़ने वालों का भी होता है, वीडियो देखने वालों का भी होता है। अब ये मुद्दा हमारे सामने आता है कि हम जो है जो पढ़ रहे हैं ना, वो हमारे लायक है, लाभदायक है या नहीं है, क्योंकि मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा है, मैं कितनों का नाम ले लूँ, तो हमारे यूज़फुल में है कि नहीं है, हमारे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कि नहीं आते उस मैगजीन से, तो ये देखने लायक। मैं पहले बताती हूँ कि क्या नहीं पहले पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बताऊँ, पहले जो वीडियो है, वीडियो या मैनेज नहीं हो पाता, मैं अपना जो मेरे साथ होता है मैं बस उतना ही बता रहा हूँ। जैसे कि वीडियो इसे रोज डेली डेली देखा नहीं जा रहा है, तो वीडियो अगर आपसे हो सके तो ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो से ज़्यादा आप न्यूज़पेपर या फिर आप जो है मैगजीन्स पर आ जाइए, ठीक। सेकंड ये है कि आप जब मैगजीन पर आ जाएंगे ना, तो उसके बाद जो है आप मैगजीन में दृष्टि और ये सब देखो। दृष्टि अच्छी किताब है, मैं ये नहीं कहूँगी खराब है, बट मेरे से पर्सनली मुझसे ना बहुत उसके शब्द ना नहीं हो पाते, मैं शब्द को जो पकड़ नहीं पाती, फिर मेरे को बहुत भारी भरकम शब्द लगते हैं, तो मैं दृष्टि मैंने पढ़ा था बट मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ। रही बात विजन की, विजन बहुत परफेक्ट किताब है, अगर आप विजन ले सकते हैं तो आप लीजिए, मैं तो कहूँगी कि विजन ही पढ़िए क्योंकि मेंस के लिए भी हेल्पफुल होगा। और विजन में मेरे ना पढ़ने का रीज़न ये है कि विजन ना इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी सिलेबस में इनका सारी चीज़ें कवर करने में मैगजीन्स हो ही नहीं पाता। अब मैं क्रॉनिकल प्रीफर करती हूँ, और क्रॉनिकल अब मैं वीडियो से लिखना तो बंद कर दिया है, अब मैं क्रॉनिकल लेने स्टार्ट कर दे रही हूँ। और उसके बाद जो है क्रॉनिकल, क्योंकि मुझे एकदम डेडिकेटेड होकर के आरओ देना है, तो आरओ के लिए क्रॉनिकल मुझे लगता है बेस्ट किताब है, तो क्रॉनिकल पे मैं जाऊँगी। और लेकिन मैं बार बार कहूँगी कि विजन बेस्ट है, ठीक, लेकिन आरओ आरओ आप अगर सिर्फ और सिर्फ आरओ के लिए कर रहे हैं तो आप क्रॉनिकल रख लेंगे। रही बात नेक्स्ट, जैसे अलग अलग और कोचिंग्स जो निकालते हैं मैगजीन में, उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी, अपने अपने तरीके से वो बहुत अच्छा निकालते हैं, बट जो मैं पढ़ रही हूँ मैं उतना ही बताती हूँ, तो आप क्रॉनिकल ले सकते हैं आरओ आरओ के लिए। अब तो न्यूज़पेपर आपको अगर पीसीएस मेंस देना है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आर्टिकल्स वगैरह तो आप देख लेंगे। न्यूज़पेपर मैं नहीं पढ़ पाती क्योंकि टाइम ना नहीं मिल पाता है मुझे, तो मैं द हिंदू के आर्टिकल सिर्फ सुन लेती हूँ, और जो उसमें जो की पॉइंट होता है मेंस में लिखने लायक, मैं उसको साइड में नोट कर लेती हूँ और वहाँ लिख लेती हूँ। मैंने अपने ब्लॉग में जो स्टडी ब्लॉग मैंने दिखाया है, अपना रूटीन शेयर किया हुआ है ना, उसमें मैंने आर्टिकल जो द हिंदू कहाँ से पढ़ती हूँ, कौन से वीडियो से पढ़ती हूँ, मैंने सारा कुछ चैनल का नाम वगैरह सब बता दिया था, तो बताना, तो फिर मैं फिर से अपने स्टडी ब्लॉग लाऊंगी तो उसमें मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं अपना करंट अफेयर मैनेज करती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप आर ओ आर ओ पी सी एस और यू पी एस सी कर रहे हैं तो आप विजन ले लीजिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ आर ओ की कर रहे हैं या पी सी एस की भी कर रहे हैं तो आप क्रॉनिकल ले सकते हैं, थोड़ी पतली किताब होती है, ठीक है। और आपके आप अपने अकॉर्डिंग फिर और सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना हो, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से होता है, बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ के निकालते हैं, बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ने का ये फायदा होता है ना, हमारी जो शब्दावलियाँ हैं उसमें जो त्रुटि हम करते हैं लिखावट में, बहुत सारी चीज़ों में, वो सब नहीं होती। अगर आपको लगता है कि हमारी शब्दावलियाँ बहुत सही है तो आप न्यूज़पेपर ना पढ़ें, अगर लगता है कि पढ़ना चाहिए, थोड़े शब्द को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लें, तो वो आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं बस। और कोई क्वेश्चन होगा तो बताना, और अगर सिर्फ आर ओ आर ओ के लिए तो मैं कह रहा हूँ मैगजीन में क्रॉनिकल ले लो, आराम से नहीं अपार हो जाएगी।